अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद सिद्दीक लकड़ा वाला कच्ची में जमात खाने के वाइस प्रेसिडेंट ज़करिया मस्जिद का ट्रस्टी, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि आपने सुने, कोरोना वायरस से बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, बहुत लोग को इंतकाल हो गया और मुसलमान ये सोच रहा है कि कब्रिस्तान में हमको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, कि इसको डिस्पोजल किया जाएगा, ये अफरा तफरी चल रही थी। तो हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप ने माहिम कब्रिस्तान और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी से मिला, मुलाकात हुई, वो भी हमारे साथ में थे। उसी वक्त वहाँ के को ट्रस्टी है मुदस्सर लांबे, डॉक्टर मुदस्सर लांबे साहब, उन्होंने उसी टाइम सीईओ को लेटर लिखे और सीईओ ने दूसरे ही दिन एक ऑर्डर पास करे कि वक्फ बोर्ड के अंदर कि हर कब्रिस्तान में कोरोना वायरस से जो मौत हुई है, जिसका इंतकाल हुआ, उनको लेना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रा पैनिक नहीं होना कि हमारे को कब्रिस्तान में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं, सब जगह आपको लिया जाएगा। और माहिम में तो सोहेल खंडवानी साहब ने बोल दिए और हमारी बात हुई मालूनी के अंदर, वहाँ पर मस्जिद के गेट के ऊपर बोर्ड लगा दी गई है और जिसके उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना का कुछ अगर है तो हम लोग के कब्रिस्तान में आ सकते हैं। जो एरिया में मौत होती है, जो एरिया का रेसिडेंस का जहाँ भी इंतकाल होता है, तो उसको उसी एरिया के कब्रिस्तान में जाया जाएगा। अगर कोई ट्रस्टी अगर कुछ बोलता है तो उसके ऊपर सीईओ ने ऑर्डर लिखा दिए है कि इसके ऊपर FIR ले लो, वो फौरन इसके ऊपर FIR लिया जाएगा। और अगर कहीं किसी को तकलीफ आती है तो आप मुझसे रابطہ कायम कर सकते हैं। मेरा नाम इरशाद सिद्दीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 9892425786। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब कोई भी शख्स जिसका कोरोना वायरस के तहत की वजह से अगर इंतकाल होता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले डेथ सर्टिफिकेट देते हैं जो इस तरीके का है। ये डेथ सर्टिफिकेट दो पार्ट में होता है, एक अपर पार्ट है, एक नीचे लोअर पार्ट है। इसमें सीरियल नंबर दोनों का सेम रहता है। अब ये पूरी डिटेल्स जो है, वो लोग पेशेंट्स की डिटेल्स, उनके रिलेटिव्स की डिटेल्स सब रहती है उसके अंदर। हॉस्पिटल वाले जो है पूरा फॉर्म भर के लेते हैं और उसके बाद में ये आधा स्लिप, या तो ये पूरा फॉर्म दे देंगे आपको, और अगर पूरा फॉर्म नहीं देते तो वो अपने डाटा के लिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन से आधा फॉर्म काट के ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं और नीचे का देते हैं। तो पेशेंट के जो भी डिजीज्ड है उनके जो घर वाले, उनसे ये गुजारिश है कि जब ये नीचे की स्लिप आपको दी जाती है ओरिजिनल, तो ये ध्यान रखे कि उसके ऊपर COVID-19 लिखा हुआ रहे, क्योंकि हर कब्रिस्तान के अंदर COVID-19 के पेशेंट को दफनाने के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ तरकीब बनाई गई है, तो उनको उसी तरीके से मदफन किया जाता है। तो घर वालों से ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसके नीचे के हिस्से में COVID-19 लिखवा के ले, अगर डेथ COVID-19 से होती है तो। उसके बाद आपको जब ये डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मिलता है तो आपके एरिया का जो लोकल पुलिस स्टेशन है, आपको वहाँ ये डेथ सर्टिफिकेट की स्लिप लेके जाना है। और फिर उसके बाद ये जो है, इस तरीके का एक NOC लेटर होता है मदफन के लिए, जो पुलिस वाले लेटर आपको लिख के देते हैं। तो ये आपको जो एरिया के पुलिस ऑफिसर से NOC लेना है और उसमें लिखा जाता है कि 4 रिश्तेदार जो है वो जाएंगे मदफन करने के लिए। जब आप ये लेटर ले लोगे पुलिस से, NOC ना हरकत प्रमाण पत्र कहते हैं इससे, तो ये लेटर और ये जो आपको डेथ सर्टिफिकेट के नीचे की जो ओरिजिनल स्लिप, ये दोनों ओरिजिनल लेटर आपके कंसर्न जो कब्रिस्तान है उसका जो वार्ड लगता है वहाँ पर जाके ये आपको दोनों सबमिट करना पड़ता है। तो फिर आपको MCGM वाले जो है इस तरीके की एक स्लिप पावती बना के देते हैं। ये पावती जो है आपको कब्रिस्तान में ला के देनी है। जब आप ये पावती कब्रिस्तान में ला के दोगे तभी आपकी घर वालों की जो भी है मैयत की तफ्तीश होगी। तो इस चीज़ को बहुत गौर से सुने और समझे कि ये बगैर ये डॉक्यूमेंट्स के तफ्तीश नहीं होगी। बराए मेहरबानी इस चीज़ को ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर पुलिस स्टेशन में आपको NOC में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट में मिलने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बेशक इरशाद भाई से रابطہ कायम कर सकते हैं। शोएब खतीब साहब है जुमा, अपना जुमा मस्जिद ट्रस्ट के जो बड़ा कब्रिस्तान के सब मैनेजमेंट देख रहे हैं आज, तो आप उनसे रابطہ कायम कर सकते हैं। तो फिर वो आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, वो ऑफिसर्स को बताएंगे। आपको सैंपल चाहिए तो आपके
आप शोएब खतीब से बात करके उनको व्हाट्सअप नंबर देके इस तरीके के सैंपल आप अपने व्हाट्सअप पे मंगा के आप पुलिस वालों को बता सकते हैं कि भाई देखिए इस तरीके के हमारे को ये सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जो है वो तफ्तीश नहीं होगी। अभी रही बात यह डॉक्यूमेंटेशन की, बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बेहतर है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको अपने एरिया के कब्रिस्तान में जाना है। आज माशाल्लाह बॉम्बे के जितने भी कब्रिस्तान हैं उन्होंने सारी तैयारियां करके रखी है, जितने भी कोरोना वायरस की डेड बॉडीज आएंगी मैयतें आएगी तो उनको तफ्तीश की पूरी तरतीब कर चुके हैं। अब तरतीब का तरीका यह है भाई कि कोरोना वायरस के लिए इन्होंने अलग से कब्रिस्तान के अंदर एक स्पॉट्स लोकेट करके रखा है जहाँ पर वो कोरोना वायरस के मैयतों को दफनाया जाएगा। तो उसके लिए आपको सैनिटाइजेशन ये वो सब किया जाता है, कब्रिस्तान वाले उस चीज़ का भरपूर इंतजाम कर रहे हैं। सातों साथ इसमें जो है मैयत में सिर्फ चार ही आदमी आएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कोरोना वायरस की मैयत को दफनाने के लिए इस तरीके की किट्स पहनी जाती है, क्योंकि वो बॉडी को हाथ लगाया नहीं जा सकता। हॉस्पिटल से जब मैयत आती है तो वो पूरी प्लास्टिक में सील होके आती है। उसके बाद में जो गोर खोदू रहते हैं, जो कब्र खोदते हैं, अब वो कब्र का खड्डा काफ़ी गहरा होता है, तो कब्र खोदने के लिए 10 फीट के ऊपर बीएमसी ने कहा है कि वो खड्डा खोदना है, तो कम से कम 3 से 4 कब्र खोदू लगते हैं। तो उनको ये किट्स पहना कर, ये कोरोना वायरस प्रूफ किट्स है, मेडिकली सर्टिफिकेट है, जो हर कब्रिस्तान के अंदर इंतज़ाम किए हैं ट्रस्टी लोगों ने इस चीज़ का। अब भाईजान ये एक मैयत के पीछे कम से कम 9 से 10 किट जाती हैं और इसके बगैर मदफन नहीं हो सकता। तो तरतीब जो है वो कब्रिस्तान वाले, जो भी आपके करीबी कब्रिस्तान वाले आप जाएंगे वो आपको समझा देंगे, और वो जैसे भी आपके साथ में पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी उनसे कोऑपरेट करें जी। ये एक किट है जो 900 रुपये जिसका रेट है, किसको 950 में मिलेगा, किसको 900 में मिलेगा, जैसा भी है। अगर कोई गरीब आदमी अचानक किसी घर में अल्लाह ना करे ऐसा हादसा होता है, ऐसी मैयत होती है, तो एरिया वाले माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, खाना तकसीम किया जा रहा है और राशन तकसीम किया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा आपको दिखता है कि कोई कमज़ोर है, गरीब है, तो अगर आप उनको ये 9 किट दे सकते हैं, 10 किट, तो बड़ा मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, अपने अपने इलाके के कब्रिस्तान में सैनिटाइज़र है और ये किट है, तो ऐसे कुछ लोग आगे बढ़कर आए और ये काम को भी अपने हाथ में ले ले। ऐसा माशाल्लाह काम तो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे एरिया में, लेकिन ये काम भी है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इसके पास साहिब माल नहीं है, इसके पास शायद पैसे कम है, तो इसके लिए भी हमारे एरिया के वाले लोग आगे आ सकते हैं और आगे आ भी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह।